नमस्कार, मेरा नाम नवनीत मिश्रा है और मैं आपका अपने चैनल नवनीत मिश्रा इकोनॉमिक्स वाले पे स्वागत करता हूँ। बज रहे हैं सुबह के 6 और आज हम निकल रहे हैं नैनीताल। नैनीताल जाने का एक खास पर्पस ये है कि मैंने और मेरी वाइफ ने सोचा है कि हम अपने बेटे का जो थर्ड बर्थडे है वो थोड़ा सा स्पेशल करेंगे, थोड़ा सा अलग हटके मनाएंगे। तो हमने डिसाइड किया है कि हम उसका थर्ड बर्थडे जो है वो नैनीताल में सेलिब्रेट करेंगे। तो नैनीताल अब हम निकल रहे हैं। अभी तो ये सोया हुआ है, बट जब ये सो के उठेगा तो एकदम से इसके लिए काफ़ी नया होगा। जब बाहर देखेगा एक्साइटेड हो जाएगा, क्योंकि इसको बिल्कुल आइडिया नहीं है कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं। क्योंकि जब लास्ट हम हरिद्वार गए थे, हमने वहाँ पर कुछ दिन बिताए थे, तो हरिद्वार में सबसे ज़्यादा अगर एक्साइटेड कोई था, अगर कोई खुश था, तो फिर ये मेरा बेटा ही था। ये मेरा बेटा क्रैंकी क्यों रहा है, क्योंकि इसको जूस चाहिए, इतनी ठंड में इसको जूस पीना है। मगर हम लोग अवॉइड कर रहे हैं कि हम इसको जूस ना दें। अभी हमने आलू का पराठा ऑर्डर किया, आलू प्याज का पराठा हम खा रहे हैं, जैसे आप देख पा रहे होंगे। तो मैं चाहता हूँ कि आलू और प्याज के पराठे खाएँ। ठंड हो रही है, काफ़ी बाहर ठंड हो रही है, कोहरा हो रहा है काफ़ी सारा। तो मैं चाहता हूँ, मेरी वाइफ चाहती है कि हम लोग इसको पराठे खिलाएं, मगर ये पराठा खाने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। कह रहा है जूस चाहिए, जूस चाहिए, जूस चाहिए। तो अवॉइड करने के लिए उसको बात को निगलेक्ट कर रहे हैं। मतलब हमें लग रहा है हमें सुरानी धीरा, हमें नहीं पता क्या है। अब वो जब भी वो मांगेंगे ना जूस, तो हम उसको पराठा ही ऑफर करने वाले हैं। तो मैं इंजॉय कर रहा हूँ पराठा। ठंडों में कुल्लड़ वाली चाय मिल जाए तो मज़ा आ जाता है। और अभी बिल्कुल सूरज वूरज नहीं दिख रहा, चारों तरफ कोहरा ही कोहरा है, फॉग ही फॉग है, मगर चाय पी के काफ़ी मज़ा आ रहा है। थर्टी के आसपास नैनीताल पहुंच गए थे और काफ़ी अच्छा सफ़र रहा। मगर एक जो बड़ा चेंज मैंने देखा वो ये कि अगर जब आप दिल्ली से आएंगे, मुरादाबाद का रूट हमने फॉलो किया था कि मुरादाबाद से पहले एक रूट कट गया था और उससे हम फिर आए थे नैनीताल की तरफ। तो वहाँ पर जैसे उत्तराखंड में एंट्री होती है तो वो कोविड टेस्ट कर रहे थे, मतलब आपको कोविड टेस्ट कराना होगा, सैंपल देना होगा, उसके बाद आप जा सकते हैं। तो मैंने और मेरी वाइफ दोनों ने कोविड टेस्ट दिया और टेस्ट कराया, उसके बाद हम वहाँ से निकले। नैनीताल आने का जो रूट है वो बहुत अच्छा है, मतलब जो सड़क है, जो रोड है, वो बहुत प्रॉपर तरीके से बनी हुई है। मगर जब आप नैनीताल में एंटर करेंगे अपनी कार से, अगर आप आते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा जाम, काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। एक्चुअली वैसे कोशिश तो बहुत की है यहाँ पर जो पुलिस है, यहाँ पर जो जितने भी लोकल जितने भी लोग हैं यहाँ पर, वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जाम वगैरह ना लगे, मगर इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ हैं और इतना ज़्यादा ट्रैफिक है
कह रहे हैं कि पिछले 3-4 दिन में काफी ज्यादा रश बढ़ गया है यहाँ पर, बट दिन में प्रॉपर धूप वगैरह निकल रही है और ठंड है, ऐसी बात नहीं है कि अभी ये जनवरी का मंथ है तो ठंड वगैरह तो है, मगर दिन का टाइम काफी अच्छा हो जाता है, मतलब काफी धूप होगी थी। एक्चुअली मुझे तो अपनी जैकेट निकालनी पड़ी, इतना मतलब गाड़ी में गर्मी से लगने लगी। हमने होटल में चेक इन वगैरह कर लिया है और अभी फ्रेश वगैरह हो गए, तो अब थोड़ा सा आराम करेंगे और उसके बाद फिर शाम को थोड़ा सा मॉल रोड वगैरह घूमेंगे। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, अब आपसे मेरी मुलाकात अगले वीडियो में होगी, तब तक के लिए नमस्कार।